हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 200 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है। उसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर पाउडर एंड 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट तक के मैरिनेट करने के लिए इसे रख दिया था। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई लिया है और उसमें 1/2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। उसके अंदर मैंने 2 एग डाल दिए हैं और थोड़ा सा ऊपर से सॉल्ट स्प्रिंकल करके हमें एग को अच्छे से पका लेना है। ये देखिए, उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से पका के उसे एक प्लेट में अलग से निकाल लीजिए। उसके बाद सेम कढ़ाई में हमें थोड़ा सा तेल डालकर हमने जो चिकन मैरिनेट किया था उसके पीसेस को हमें तेल में डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है उसे, और कवर करके हमें इसे 10 से 15 मिनट तक के कुक कर लेना है। जब तक हमारा चिकन कुक हो रहा है, हम राइस रेडी कर लेते हैं। राइस बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 ग्लास पानी लिया है, उसके अंदर 1/2 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट और 1/2 लेमन जूस ऐड कर दिया है। ये मैंने 1/2 कप राइस, बासमती राइस लिया है, जिसे मैंने 15 मिनट तक के धो के अच्छे से भिगा कर रख दिया था। अब हमें इसे फास्ट फ्लेम पर एक बॉयल आने तक के पकाना है, और जैसे ये फास्ट फ्लेम पर बॉयल आ जाता है हमें इसे गैस का फ्लेम स्लो कर देना है और उसे 10 मिनट तक के पका लेना है। ये हमारे राइस बनके रेडी हो चुके हैं। हमें राइस को 80% ही पकाना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अगर आप इसे ज़्यादा पका देंगे तो हमारे खुले खुले फ्राइड राइस नहीं बनेंगे। चलो देखते हैं, हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हमें इसे एक प्लेट में चिकन को निकाल लेना है। उसके बाद सेम कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके 1 टेबलस्पून चॉप जिंजर एंड 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक ऐड कर दिया है, और उसे 2 से 3 सेकेंड के लिए हमें फ्राई कर लेना है। उसके बाद यहाँ मैंने 2 से 3 ग्रीन चिलीज चॉप करके डाल दिया है, 1 चॉप्ड ऑनियन ऐड कर दिया है, उसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। उसके बाद चॉप्ड कैरेट ऐड कर दिया है मैंने, 1 चॉप कैप्सिकम, पत्ता गोभी यानी कि कैबेज ऐड कर दिया है। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है, आप फ्रेंच बीन्स ऐड कर सकते हैं, ग्रीन पीस, जो भी वेजिटेबल आपके घर में अवेलेबल है आप वो इसे ऐड कर सकते हैं। उसे 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस एंड 1 टेबलस्पून शेजवान चटनी एंड 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 1/2 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने जो एग और चिकन फ्राई करके रखा था वो इसमें डालकर हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने जो राइस पका कर रखे थे हमें वो इसमें ऐड करके, स्प्रिंग ऑनियन ऐड करके बस एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारे टेस्टी से चिकन फ्राइड राइस बनकर रेडी हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।